नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर 25 घंटे औसतन गाने सुने जाते हैं, वहीं पूरी दुनिया के अंदर 20 घंटे गाने सुने जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हम पूरी दुनिया से 5 घंटे गाने अधिक सुनते हैं। देश के अंदर 63% लोगों का मानना है और वहीं दुनिया के अंदर 69% लोगों का यह मानना है कि गाने सुनने से लोगों की सेहत अच्छी होती है। वहीं 70% लोग एक्सरसाइज करते वक्त गाने सुनते हैं और 90% लोग पार्क के अंदर टहलते हुए गाने सुनते हैं और वहीं 80% लोग योगा करते समय गाने को सुनने का पसंद करते हैं। वहीं 70% गाने साइकिल चलाते हुए वक्त सुने जाते हैं। गाने की इंडस्ट्री इतनी बड़ी कैसे हो गई, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि छोटी छोटी कोशिशें ही आपको फोटोग्राफी इंडस्ट्री ने भारत और चीन समेत 22 देशों में स्टडी करने पर एक रिपोर्ट तैयार की। एग्रोविथ म्यूजिक की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर म्यूजिक इंडस्ट्री 8% बढ़ सकती है। वहीं पूरे भारत के अंदर यह म्यूजिक इंडस्ट्री 13% बढ़ सकती है। दुनिया के अंदर 82% लोग वीडियो प्लेटफॉर्म को देखते हैं। वहीं 74% लोग ऐसे हैं जो कि ऑडियो प्लेटफॉर्म को देखना पसंद करते हैं। 70% लोग रेडियो सुनना पसंद करते हैं। वहीं 65% लोग शॉर्ट्स, म्यूजिकली आदि, टिकटॉक जैसे वीडियो देखकर टाइम पास करते हैं। दुनिया के अंदर 16 से 24 साल वाले ऐसे लड़के हैं जो रेडियो सुनने के लिए पसंद नहीं करते। 73% ऐसे लोग हैं जो रेडियो को सुनते हैं और उसी 73% में से 65% लोग ऐसे हैं जो बगैर गानों के बिना रेडियो तक नहीं सुनते। 2007 के अंदर म्यूजिक इंडस्ट्री 740 करोड़ रुपए की थी। वहीं 2020 के अंदर म्यूजिक इंडस्ट्री 1500 करोड़ रुपए की होगी, यानी इसे डबल होने के लिए इसे 14 साल का समय लगा था। वहीं इस रिपोर्ट के माध्यम से यह पता चलता है कि 2023 से 2025 तक पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री 3300 करोड़ रुपए की हो जाएगी। मतलब साफ तौर पर यह बात है कि यह इंडस्ट्री इतनी तेजी से बढ़ रही है कि इस इंडस्ट्री में जो व्यक्ति काम कर रहा है उस व्यक्ति का फ्यूचर ऑलमोस्ट ब्रॉड होने वाला है। देश के अंदर हिंदी, तमिल, बंगाली व मराठी जैसी तमाम भाषाएं बोली जाती है। इन भाषाओं में करीबन 2000 फिल्में बनाई जाती है। हर एक फिल्म के अंदर 5 गाने के हिसाब से देखे तो पूरे ओरिजिनल गानों के मुकाबले 10,000 गाने ओरिजिनल निकाले जाते हैं। अगर प्राइवेट एल्बम को भी इसमें जोड़ दिया जाता है तो 20,000 से अधिक गाने गाए जाते हैं। एक गाने को औसतन गाने में 35 से 50 हजार रुपए का खर्चा आता है। पूरी दुनिया में गानों की संख्या का अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन इसका अंदाजा लगाए तो करीबन 15 से 20 करोड़ गाने ऐसे हैं जो कि अभी तक गा चुके हैं। यानी इतने गाने हैं कि एक छोटे से देश की जनसंख्या से भी ज्यादा। 119 देशों में 40 लाख म्यूजिक कैरेक्टर को प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं CISI की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 2021 में पूरे दुनिया में गानों की रॉयल्टी 72% की कमाई की है। वहीं इंडिया म्यूजिक सोसाइटी IPRS के अनुसार 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत के अंदर गानों की रॉयल्टी में 15% का उछाल आया, यानी 210 करोड़ रुपए का कमाई की है। एक रिपोर्ट के अनुसार रॉयल्टी पैसा कमाई करने में लता मंगेशकर सबसे आगे रखी गई है। लता मंगेशकर ने अपने करियर के अंदर कुल 40 से 50 गाने गाए, यानी वे हर महीने 40 से 50 लाख की कमाई करती है, यानी सालाना मतलब 6 करोड़ रुपए की उनकी इनकम होती है।